सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज आज थंबनेल देख के तो आप लोगों ने समझ ही गया होगा कि ये जो वीडियो है सोडियम मेटल के ऊपर है दोस्तों। तो वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप लोग तो जानते ही होंगे कि सोडियम मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन कैसे रिएक्शन करता है दोस्तों वीडियो फुल देखने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर बनते हैं। तो गाइज देख लो, हमारा सोडियम मेटल जो है पूरा पूरी तरह से पैक है। इसको पहले हमको खोलना होगा। खोलने के बाद गाइस पहले हम लोग छोटे से कटोरी में चेक करेंगे कि कैसा रिएक्शन होता है, उसके बाद हम लोग बड़े में चेक करेंगे। तो गाइस इसी तरह से पैक है दोस्तों, देख लीजिए। पूरी तरह से देखिए सील जो है पूरा खुल चुका है गाइस, देख लीजिए। सोडियम मेटल यानी इसका है गाइस। इसका अनबॉक्सिंग से पहले आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि इसको आप घर में भी करने की कतई कोशिश ना करें, ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। सोडियम जो है एक अभी बहुत अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो कि बहुत ही हमारे लिए घातक हो सकता है गाइस, तो इसे घर में करने की कोशिश ना कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कुछ मिनरल्स के अंदर सोडियम को रखा जाता है। कुछ ये पानी नहीं है गाइस, ये तेल है। कोई भी तेल मिनरल जैसे किरोसिन हो गया, उसी के अंदर इसको रखा जाता है। देखिए सोडियम जो है गाइस काफ़ी चमकीला धातु होता है, देख लीजिए, बिल्कुल चांदी की जैसा ही चमकीला होता है, लेकिन थोड़ा रबड़ की तरह, टाइट रबड़ की तरह लचीला भी है दोस्तों। देख लीजिए अभी आपको काट के दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये कट भी जाता है एकदम पूरी तरह से। देखिए दोस्तों ये कट भी जा रहा है, देखिए एकदम चांदी की तरह एकदम चमकीला है गाइस, देख लीजिए एकदम पूरी अच्छी तरह से। देखिए एकदम चांदी की तरह चमकीला है। इस छोटे से टुकड़े को हम लोग इस कटोरी में डाल के देखेंगे तो गाइस कि क्या होता है। पहले इस डिब्बे को हम लोग बंद कर देते हैं। इस छोटे से टुकड़े को हम लोग डाल के देखेंगे कि गाइस का कैसा रिड्यूस होता है। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, देख लीजिए। तो गाइस देख लीजिए हमारे जो कांच की कटोरी की क्या हाल कर दिया सोडियम मेटल ने। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे बहुत सा टुकड़ा बिखर गया दोस्तों। ये था सोडियम मेटल का कमाल। सोचिए एक छोटा सा टुकड़ा में इतना बड़ा कांड कर दिया, तो बड़ा पूरा डिब्बा को डालेंगे तो क्या होगा गाइस। तो वीडियो पे बने रहिए, अभी हम लोग नदी में जाके डाल के दिखाने वाले हैं। तो गाइस देख लीजिए अभी जो हम लोग घर से आ चुके हैं यहाँ नदी तालाब में, देख लीजिए बहुत ही बड़ा नदी है गाइस। अब जो है रिएक्शन कुछ बड़ा होने वाला है गाइस, तो वीडियो पे बने रहिए। अभी हम लोग इस प्लास्टिक में है जो इसको हमारा प्लान है, इस प्लास्टिक में पहले सोडियम मेटल को डालेंगे, उसके बाद पानी में रिड्यूस करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग करते हैं, करना शुरू करते हैं। चलो गाइस देख लीजिए सोडियम मेटल को जो हम लोग खोलना शुरू कर रहे हैं, देखिए उसी तरह जैसे हमने पैक किया था उसी तरह है। ये कुछ तेल में मिनरल्स में था गाइस, देख सकते हैं, जो कि मिनरल्स अभी हम लोग का काम का नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे वेस्ट कर देते हैं। देखिए इस मिनरल्स में सोडियम मेटल को इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये हवा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लगता है गाइस, नमी आने से ही इसमें रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले इस प्लास्टिक में हम लोग इसको रखेंगे, उसके बाद जो है इसका रिएक्शन हो। पहले हम लोग प्लास्टिक में रख लिए दोस्तों, देख लीजिए इस प्लास्टिक को, देख लीजिए दोस्तों हम लोग बांध चुके हैं यहाँ पे, देख लीजिए। तो गाइस देख लीजिए हमारा सोडियम मेटल जो है इस प्लास्टिक में हम लोग पहले से पैक कर लिए थे दोस्तों, अब जो है हम इसको पानी में रिड्यूस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, बहुत सी ज्यादा धक-धक हो रहा है मेरे को, तो ऐसा धक-धक हो रहा है मेरे को। तो देखिए गाइस, तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे शुरू हो चुका है, देख लीजिए रिएक्शन।
तो गाइस देख लीजिए, रिएक्शन शुरू हो चुका है गाइस हम लोग का। देख लीजिए प्लास्टिक जो है हमारा नीचे रह गया, तो गाइस इसीलिए पानी घुस नहीं पा रहा था। इसलिए सोडियम जो है बहुत अधिक क्रियाशील धातु है दोस्तों, इसीलिए पानी में जाने के बाद वो जो है रिएक्शन शुरू कर देता है। लेकिन हमारा जो प्लास्टिक है गाइस देख सकते हैं, रिएक्शन देख लीजिए गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। देख लीजिए जस्ट अमेजिंग। आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे, अभी भी देख लीजिए गाइस, अभी भी ब्लास्टिंग स्टार्ट, अभी भी ब्लास्टिंग हो रहा है। अभी आवाज देख लीजिए गाइस, पानी में कैसा आवाज है। थोड़ा लेट हो गया गाइस क्योंकि हमारा प्लास्टिक जो था नीचे ही रह गया था, इसलिए पानी उसमें जा नहीं पा रहा था। इसीलिए देख लीजिए कितना देर तक हमारा ब्लास्टिंग हुआ गाइस। तो देख लिया होगा दोस्तों कैसा ब्लास्टिंग हो गया हमारा। थोड़ा जो था प्लान थोड़ा सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो प्लास्टिक था वो पूरा मोड़ा हुआ ही रह गया था, इसीलिए हमारा जो पानी था वो सोडियम मेटल में टिक नहीं रहा था। तो गाइस देख लिया होगा अपने रिएक्शन, लेकिन इसे घर में कतई करने की कोशिश नहीं कीजिएगा दोस्तों। हमने बहुत ही सेफ्टी के साथ किया था, बहुत कैमरामैन बहुत दूर में था, मैं भी भाग गया था वहाँ से क्योंकि बहुत रिएक्शन जो है बहुत ही खतरनाक था। तो गाइस सोडियम मेटल फटने का राज ये था कि सोडियम एक बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नमी के साथ ये अपना अभिक्रिया शुरू कर देता, जो कि मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर फट जाना चाहिए था। लेकिन हमारा प्लास्टिक जो था नीचे रह गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो गाइस इसे घर पे करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है आपके साथ, आपके परिवार के साथ। तो अगर इसी तरह का वीडियो आपको पसंद है दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा।